उन्नाव जनपद में एक सरल स्वभाव के राजनीतिक जिनको अपनी पहचान की कोई जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति उनको पहचानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज हज समिति के अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी। जरा उनकी यहाँ पे मौजूदगी है, हम कुछ उनसे पूछते हैं। अध्यक्ष जी, आप अभी यहाँ पे मैनपुरी में उपचुनाव है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर साग के भारी पड़ेंगे या नेताजी की विरासत बरकरार रहेगी? देखिए, इस वक्त देश को आदरणीय मोदी जी की जरूरत है, और जिस तरह से देश को आज शिखर पर उन्होंने पहुंचाया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं, चूंकि नेताजी भी बड़े नेता थे और हम सब उनको श्रद्धांजलि भी देने गए, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और गृह मंत्री सभी लोग गए, मुख्यमंत्री भी गए, हम उनका सम्मान करते हैं और उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने खुद सदन में कहा था और हम सब उनको समर्थन करेंगे। तो अब इस समय ये समय है कि सबको वो बात याद होगी कि मोदी जी को समर्थन वहां पर जनता दे रही है, मोदी जी पर विश्वास है, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो वहां का अगर सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का जीतकर जब जाएगा तो वहां पर डबल इंजन की सरकार चलेगी। तो इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है, वो मैनपुरी हो, रामपुर हो या आपका जो तीसरी सीट हमारी है वहां, हम सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आज जनता को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि दोनों जगह अगर आप देखें, प्रधानमंत्री भी ईमानदार छवि के हमारे पूरे विश्व में और ऐसे ही हमारे आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में, तो जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब हो गया है, और जो हमारा मुस्लिम समाज था वो भी अब बहुत तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहा है। रामपुर में आपकी मौजूदगी अभी रही है, अभी आप कई दिनों तक वहां पर लोगों से संपर्क करते रहे, ऐसी स्थिति में आजम खां के कई प्रकार के बयान आए हुए हैं इस संबंध में, वो हार मान चुके हैं, हार को उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने कहा अखिलेश जी से कि आप जाइए और इलेक्शन कमीशन से कह दीजिए कि पहले ही से पत्र दे दें, तो ये हार मानने के ही तो संकेत हैं। और वहां की जनता पूरी तरीके से इत्मीनान में है, और बहुत से लोगों को मैंने देखा जो इंतकाम के आग उनके चेहरों पर देखी, क्योंकि उनको उन्होंने सताया था, उन्हें परेशान किया था अपने ही समाज के लोगों को, तो वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि हम इनको तो नहीं आने देंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के कानून की सरकार आएगी। कुछ समय पश्चात यहाँ पर नगर निकाय के चुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो गांव, गरीब, नौजवान और बुजुर्ग सम्मान में हम हर एक के खड़े रहते हैं, और ये तो मूलभूत की समस्याओं का चुनाव होता है। नगर निकाय चुनाव बहुत अहम चुनाव होता है जनता के, खासकर के मूलभूत समस्याओं को लेकर। तो उन मूलभूत समस्याओं को लेकर हमने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कार्य किए हैं पिछले 5 वर्षों में, और अब इस बार भी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, और जो अच्छे जनप्रतिनिधि सौंदर्यकरण भी होगा यहाँ का चल रही है। एके शर्मा जी जो विद्युत मंत्री, उनका एक वक्तव्य आया था कि उपभोक्ता नहीं परेशान होगा, ये जो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है ये कर्मचारी और अधिकारियों अंतर, इसको हम आपस में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आज आपकी मौजूदगी है, यहाँ पे लगभग 14-15 घंटे लाइट नहीं आई, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज का पार्ट होते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, आंदोलन हम क्या आंदोलन क्यों करते हैं, आप अगर आप शांति से कोई भी आंदोलन करना चाहते हैं कहते हैं, उन्होंने कहा है, और उन बातों को हमारे मंत्री जी ने बैठकर आज पूरी बैठक हुई, बहुत लंबी बैठक हुई है आज, और सारी चीजों का निस्तारण हो गया है। और मुझे लगता है कि कोई भी मांग उठाने के लिए एक अच्छा तरीका होता है, लोगों का अपने तरीके से जाए, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर बत्ती, मान लीजिए यहाँ पर हमारा काम है बत्ती देना और लाइट को पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर करी बात, और भी पूछ लें कि क्या परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं कभी क्या सरकार ने रोकी हैं, सब हम दे रहे हैं। तो इसलिए कोई भी आंदोलन से पहले वार्ता कर लेना चाहिए, आंदोलन सबसे लास्ट में रखना चाहिए।